और भाई क्या हाल है? गुस्से में लग रहा है? क्या बताऊं, क्या ड्रामा लगाए रखा है। वैक्सीन वैक्सीन और वैक्सीन, इसके चक्रों में मेरी कितनी क्लासेस मिस हो गई हैं। अभी भी मेरे को बाहर रोक रहे थे, बड़ी मुश्किलों से इंटर हुआ अंदर। तोबा है यार। क्यों, तूने वैक्सीन नहीं लगवाई अब तक? नहीं तो वैक्सीन हेल्थ के लिए लाजमी है ना। वैक्सीन लगाएंगे तो ज़्यादा बीमारियों से हम बच सकेंगे ना। तो मैं वैसे भी हूँ भाई, तो फिर वैक्सीन की क्या जरूरत। वैक्सीन से हमें बीमारियों से लड़ने की ताकत मिलती है। वैक्सीन से जो है हमारे अज़ा जो हैं थोड़े से ताकतवर हो जाएंगे, इसलिए वैक्सीन लाजमी है। तो दूसरी मेडिसिन से भी हम अपनी सेहत बेहतर कर सकते हैं, वैक्सीन ज़रूरी तो नहीं ना यार। वो बात तेरी भी सही है, लेकिन उन मेडिसिन की वजह से हम कुछ बीमारियों से कुछ वक्त के लिए बेहतर महसूस कर पाएंगे, लेकिन अगर वैक्सीन लगाएंगे कोविड की, उससे हमारे जिस्म में ऑर्गन्स को ताकत मिलेगी और हम एक लंबे अरसे तक मौलिक बीमारियों से बच सकेंगे। तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन अच्छा एक बात बताओ मुझे, ये बताओ कल डेट क्या आ रही है? 14 अगस्त, पाकिस्तान की आज़ादी का दिन। तो ज़रा सोचो, क्या ये दिन हम सच में आज़ादी के साथ मना पाएंगे? नहीं यार, सब घर में कह रहे हैं। तो अब हमने क्या करना है कि 74 साल कबल जिस तरह हमने अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ादी हासिल की थी, इसी तरह वैक्सीन लगाकर इस कोविड की गुलामी से आज़ादी हासिल करनी है, और लॉकडाउन से बाहर आकर हमें सही मायनों में जश्न आज़ादी मनानी है। हाँ यार, तुम्हारी बात अब मुझे समझ में आ रही है। मैं जल्द से जल्द इंशाल्लाह वैक्सीन लगवाऊंगा और अपने घर वालों को भी समझाऊंगा कि वो जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाए। 74 साल कबल हासिल की गई आज़ादी की हिफाज़त करना ज़रूरी है, बिल्कुल इसी तरह अपनी जानों की हिफाजत करना भी ज़रूरी है। बैरूनी ख़तरात से निमटने के लिए पाक फ़ौज सरहदों पर मौजूद है, लेकिन वायरस से निमटने के लिए आवाम को वैक्सीन खुद लगवानी होगी। अपनी और अपनी आज़ादी की हिफाजत खुद करें।